नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम ये रीडिंग इस टॉपिक पर करने वाले हैं कि आपका पार्टनर जिसको आप अपना 100% दे रहे हो, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हो, क्या वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है? क्या उसका प्यार जिस्मानी है या रूहानी है? क्या वो इंसान सिर्फ आपके जिस्म को पाना चाहता है? क्या वो इंसान दिल से प्यार करता भी है या नहीं? तो ये जनरल रीडिंग है। सबसे पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये कभी भी हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है? आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जानते हो कि आपका पार्टनर कैसा है, ठीक है, और आपके साथ रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। जितनी बातें आपके साथ रेजोनेट होती है बस उतनी ही आपको रखनी है, बाकी की छोड़ देनी है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1, आपको अपने पार्टनर की राशि से पाइल चुनना है। आपके पार्टनर की राशि इसमें आती है तो आपको चुनना है पाइल नंबर 1, और आपके पार्टनर की राशि इसमें आती है तो आपको चुनना है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 क्या है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि, और यहाँ पर है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। तो इसमें जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? और सबसे पहले और एक बार बता देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो देख लीजिएगा कि आपके पार्टनर की राशि किस पाइल में आती है और फिर वही पाइल आपको देखना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ओके? तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिनकी भी राशि, जिनके भी पार्टनर की राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, देखते हैं जिस इंसान से आप इतनी मोहब्बत करते हो, जिस इंसान को आप अपना सब कुछ मानते हो, उस इंसान की मोहब्बत जिस्मानी है या रूहानी है, वो सच्चा प्यार करता है या झूठा प्यार करता है, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छी अच्छी बातों को आपको सोचना है। जिस इंसान को आप अपना सब कुछ मान रहे हो, जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, क्या वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है? ओके, एक कार्ड हमें मिल चुका है। गाइस, मैं अब आपको क्या बोलूं, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड, टैरो का सबसे पहला कार्ड कितना ज़्यादा मायने रखता है आपको बताई है, और सबसे पहले कार्ड ने ही यहाँ पर बता दिया है कि ये इंसान आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा चाहता है। इस इंसान को आपकी बॉडी का जैसे कि एडिक्शन हो चुका है। ये इंसान इस कदर तड़पता है आपको छूने के लिए, ये इंसान इस कदर तड़पता है आपको पाने के लिए कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, ठीक है? इस इंसान के जहन में हमेशा आपके जिस्म के बारे में ही थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, सबसे पहले कार्ड ने ही बता दिया कि इंसान आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा चाहता है। अब जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, ठीक है? तो आपको गलतफहमियां नहीं करनी है, ये जनरल रीडिंग है, हर बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोग हैं कि आपके पार्टनर आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उनकी मोहब्बत जो है वो रूहानी से ज़्यादा जिस्मानी है, ठीक है? वो इंसान आपकी ब्यूटी की तारीफ़ करते होंगे। आपने खुद ये महसूस किया होगा कि वो इंसान हर वक्त जब भी आपसे मिलता है आपकी ब्यूटी की तारीफ बहुत करता है, जब भी आपसे मिलता है वो सेक्सुअल बातें आपसे करता है, या जब भी आप उससे ऑनलाइन बात करते हो तो वो सेक्सुअली बात आपसे ज़्यादा करता है, आपको छूने की बात करता है, आपके करीब आने की बात करता है। आपने खुद ये महसूस किया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर द डेविल का कार्ड बता रहा है कि इंसान जिस्मानी मोहब्बत करता है आपसे, और ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्लैरिफाई भी करते हैं पहले इस कार्ड को, द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किया जाए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इस इंसान ने प्यार के नाम से आपको झांसा दिया है। झांसा दिया है मतलब आपको वो इंसान बताता कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, और आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको जस्टिस की ज़रूरत है। गाइस, जो भी लोग ये पाइल नंबर 1 देख रहे हो, आपने इस इंसान को बहुत सच्चा और बहुत ही अच्छा इंसान समझा है,
या तो पास्ट में आप समझते थे या आज भी आप इस इंसान को बहुत ही अच्छा इंसान समझते हो। मैं ये नहीं कहती कि सबके ही पार्टनर धोखेबाज हैं, मैं ये नहीं कहती कि सबके पार्टनर झूठे हैं, सबके पार्टनर ने धोखा दिया है, लेकिन जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है उनको पता है, वो जानते हैं। तो इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस होना अभी बाकी है, ठीक है। डेविल का कार्ड, उसको क्लैरिफाई किया जस्टिस ने, इस इंसान ने आपको प्यार के नाम पर, ठीक है, प्यार के नाम पर कुछ अलग ही आपसे हमेशा उम्मीदें रखी है और ये आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। लेकिन डरने की आपको जरूरत नहीं है, आपके साथ जस्टिस होगा। इस कार्ड को जस्टिस ने जो क्लैरिफाई किया है, आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही न्यायप्रिय हो, बहुत ही जेन्युइन हो इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने नहीं किया आपके साथ जस्टिस, ठीक है। गाइज, मुझे यहाँ पर बार बार ऐसी ही एनर्जी आ रही है। देखो यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आ चुका है, इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हुआ है, इस इंसान ने आपको प्यार के नाम पर धोखा दिया है। इस इंसान ने हमेशा आपको बार बार जताया होगा कि देखो जो इंसान झूठा प्यार करता है ना, वो हजार बार आई लव यू बोलता है। आपको इस इंसान ने बार बार न जाने कितनी बार आई लव यू बोला होगा, क्योंकि इस इंसान को वो जताना है, झूठी बातें आपके ऊपर थोपना है कि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन असल में देखा जाए तो इस रिश्ते में कहीं भी बैलेंस नहीं था। इस रिश्ते ने, जब भी इस इंसान को आपने कमिटमेंट की बात की होगी, जब भी आपसे शादी के बाद अगर आपने इस इंसान को छेड़ी होगी, तो इंसान आपसे कटाकटा रहता होगा, आपसे दूर जाता होगा, क्योंकि वो इस रिश्ते में बैलेंस कर ही नहीं सकता। इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो सिक्स ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स है, टेन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। ये इंसान आपके साथ शादी नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ये इंसान कभी भी आपके साथ बैलेंस नहीं कर सकता। जब भी आप इस इंसान को कमिटमेंट की बात करोगे, शादी की बात करोगे, इंसान आपसे दूर भागेगा और बोलता क्या है, आई लव यू। बोलता क्या है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। तो आप शादी की बात करके देखो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यही एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे हम। ये इंसान आपको, जब भी शादी की बात आएगी तो ये इंसान आपको बताएगा कि उनके परिवार में लव मैरिज वगैरह चलता नहीं है। ये इंसान आपको बताएगा कि उनके घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीज़न आपको बताएगा। वो चाहे अपने घर वालों से बात करे या ना करे, वो आपको बता देगा कि हाँ बात तो मैंने की थी, लेकिन घर वाले इनकार कर रहे हैं। ऐसे आपके साथ घटित हो सकता है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। अब और मैं क्या बताऊँ, सब कुछ आपके सामने है। मैं कोई आपके पीछे कार्ड्स नहीं निकाल कर रखे हैं मैंने। ऐसे नहीं कि मैंने कार्ड्स निकाल कर आपके सामने रख दिए और आपको बोल दिया, जो है आपके सामने है। ये इंसान आपको धोखा देने वाला है, या तो ऑलरेडी धोखा दे चुका है। और वापस मुझे रिपीट करना पड़ता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं जनरल रीडिंग को, कि जनरल रीडिंग होती क्या है। अब जनरल रीडिंग होती क्या है कि आप जो हजारों लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो, ये उसमें से कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। आज यहाँ पर किसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो खुद जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये इंसान, हमने क्लैरिफाई भी किया, ये इंसान जस्टिस नहीं देगा। इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, और ये इंसान या तो इसने आपका दिल तोड़ दिया है, या तो आगे जाकर ये तोड़ देगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर किसी को अपने पार्टनर के ऊपर शक करना है। आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, वो काम करता है। जिनकी भी ये राशि है, जिनके भी पार्टनर की राशि है, जरूरी नहीं कि हर इंसान ही ऐसा गलत हो, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि आपका पार्टनर कैसा है, आप खुद समझ जाओगे उस इंसान को, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और देखते हैं, तो जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ये अफसोस है बताने में कि ये जो प्यार है, ये जो इश्क है, ये इंसान जो बताता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है, यहाँ पर तो ऐसी एनर्जी मुझे नहीं रीड हो रही है। और देखते हैं क्या कुछ आता है, क्योंकि शुरुआत ही इतनी भयानक हो गई थी इस रीडिंग की डेविल से, कि इंसान हमेशा आपके ऊपर घात लगाए बैठा था। कब उसको मौका मिले और कब वो आपके शिकार करे, ऐसी एनर्जी शुरुआत में ही आई है यहाँ पर, ठीक है। और इस इंसान को आपकी बॉडी का एडिक्शन है। इस इंसान को बार बार आपकी बॉडी चाहिए, आपका शरीर चाहिए, आपसे उसको शरीर सुख चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हो उन्हें।
इस रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है या तो होने वाला है, और अगर ब्रेकअप होता भी है तो ये इंसान बार बार आपकी तरफ आएगा क्योंकि उसको आपके जिस्म की भूख है, क्योंकि उसको एडिक्शन हो चुका है आपकी बॉडी का। तो अगर आपके साथ इसका ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है तो भी ये इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा, ये इंसान आपकी तरफ वापस आएगा, और इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो जब ये इंसान वापस आएगा तो आप समझ लेना कि इसकी जो इच्छाएं हैं, वापस वो सब कुछ पाना चाहता है सेक्सुअली, ठीक है, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। ये इंसान आपसे दूर रह नहीं सकता, एक बात तो है यहां पर, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ सच्चा वाला जो प्यार होता है वो भी कभी आपको नहीं दे पाएगा इंसान, जो आपने इस इंसान को प्यार दिया है। क्लैरिफाई करते हैं डेथ को, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान एक नई शुरुआत करेगा। तो जब ये इंसान नई शुरुआत करेगा तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये भी रेजोनेट होगा कि आने वाले समय में इंसान इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाला है, क्योंकि उस इंसान को आपकी बॉडी का एडिक्शन है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके, मैंने बोला ना इस इंसान ने बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते में, और उसके जो सारे सपने हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपसे ढोंग कर सकता है, प्यार का नाटक कर सकता है, वो आपको और ज़्यादा सपने दिखा सकता है, वो आपको बता सकता है कि वो आपको सब कुछ देगा जो आप चाहते हो, वो आपके सारे सपने पूरे करेगा, ऐसे आपको वो सपने दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा सपने दिखा सकता है, मे बी झूठा कमिटमेंट दे सकता है, शादी का वादा भी कर सकता है, या ऑलरेडी ये इंसान कर चुका है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी। तो ये इंसान इस रिश्ते की नई शुरुआत करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा अगर आप दोनों ब्रेकअप में हो, ठीक है, और अगर नहीं हो तो आने वाले समय में ये सब कुछ घटित होने वाला है। ये इंसान झूठा नाटक करेगा कि वो आपको सारा सुख देना चाहता है, वो आपको सब कुछ देना चाहता है जो आज तक वो दे नहीं पाया है, जैसे कि यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। तो ये इंसान वो ढोंग वो सारे नाटक करेगा जिससे आप मान जाओ, और आपको ये याद रखना है कि आपको झूठे लोगों की बातों में तो नहीं आना है। अब मेजर अर्काना से एक ही कार्ड निकालेंगे, इस इंसान का प्यार कैसा है, जिस्मानी है या रूहानी है, क्योंकि मेजर अर्काना से भी जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, इस रिश्ते में आपको रहना बहुत रिस्क है, ये इंसान बहुत ज़्यादा फूल है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इसके पास दो दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, आपके अलावा कोई और एक ऑप्शन हो सकता है। गाइस जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, आपको इसको पर्सनल लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको बस एज अ गाइडेंस लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो रिश्ता है आपके लिए हमेशा ही रिस्की रहा है और आगे भी रहेगा, और इस इंसान के पास एक से ज़्यादा और डेफिनेटली ऑप्शन है जो इस इंसान ने हमेशा ही आपसे छुपाए रखा है। ओके, तो दी फुल की एनर्जी क्या बताती है कि आपको जब भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो केयरफुली, ठीक है, केयरलेस होकर अपनी ही धुन में आपको आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो आपको उसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। इस डेक से भी देख लेते हैं क्या कुछ आता है, देखते हैं, फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंसान है ये आपके लिए बना ही नहीं है, नॉट फॉर यू। आप जिसे खजाना समझ के, आप जिसे अपना प्यार अपना सब कुछ मानते हो, वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। नंबर 9 और नंबर 6, 3, 6, 9 ऐसे नंबर आप में से कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जिस इंसान को आप अपना खजाना मान रहे हो, अपना प्यार अपना सब कुछ मान रहे हो, वो आपके लिए बना ही नहीं है, नॉट फॉर यू, ये इंसान आपके लिए बना नहीं है, ठीक है। एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। नहीं, एंजल भी आपको यही बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, हर किसी को ये ग्रह, ये ऐसी गलतफहमी नहीं पालना है कि आपका पार्टनर गलत ही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एनर्जी आई है तो वो किसी ना किसी के लिए आई है और वो मुझे रीडिंग करनी ही पड़ेगी। देखते हैं और एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं।
एंजल आपको बताना चाहते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पर देखो आपका दिल टूटा है, आप बहुत पेनफुल दौर से गुजरे हो, अगर आपका हेल्थ का कोई इश्यू है, अगर आप कुछ डिप्रेशन में चले गए हो, तो आपके हेल्थ में अब सुधार आएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। या आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो तो वो काम हो जाएगा। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, अगर आप विश्वास करते हो तो। ये बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना था, जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानना बहुत जरूरी था कि आपका पार्टनर आपके जिस्म को चाहता है, आपके रूह को नहीं, आपको नहीं। वो इंसान आपके जिस्म को देखते ही पागल हो जाता है। वो इंसान इस कदर सपने देखता है हर रात आपके, उसको तो लगता है कि बस आप उसके ही बने रहे हमेशा, बस आप उसके करीब रहे। ये कैसा प्यार है कि सिर्फ वो आपको छूना चाहता है, ये कैसा प्यार है कि सिर्फ वो आपके करीब आना चाहता है। तो आपको सोचना की समझने की जरूरत है ऐसे लोगों से। अब आपको पता है कि आपको कैसे डील करना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, जिनके भी पार्टनर की राशि है, देखते हैं आपके पार्टनर का प्यार जिस्मानी है या रूहानी। क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता भी है या नहीं, कि झूठ मूठ को आपको सब सपने दिखा रहा है। देखते हैं, आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर आया है वर्ल्ड और यहाँ पर आया है मून। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है। इस इंसान को आपके बिना सब कुछ अधूरा है, सोना सोना है, लेकिन ये इंसान हमेशा ही आपके साथ झगड़े करता है। मैं एक बात बता दूं कि इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन दूसरों की वजह से हमेशा ही आपके साथ झगड़े करता आया है। मतलब आप दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक ठाक है, और ये जो इंसान है वो आपको सच में प्यार करता है। ये आपके रूह को चाहता है, ये आपको चाहता है, आपके जिस्म से ज्यादा भी ये आपको चाहता है। तो दी वर्ल्ड के एनर्जी ने बता दिया कि इस इंसान की दुनिया बन चुके हो आप। ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके जिस्म को ही चाहता है, लेकिन दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बार झगड़े ऑलरेडी हुए हैं या आने वाले समय में हो सकते हैं। दी मून की एनर्जी यहाँ पर जो आई है, आपके पर्सन एक तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, ठीक है, क्लैरिफाई भी करेंगे। ये इंसान बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत नाराज हो जाता है, परेशान रहता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान आपसे प्यार तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इसकी मदर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इनकी मदर नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता रहे, ठीक है। ओके, देखते हैं, आपको इस इंसान के ऊपर फोकस करना है। क्लैरिफाई करते हैं, या तो इनकी मदर जो है वो पैसों को बहुत तोल मोल के देख रही है, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक रिच हो और कोई उतना रिच ना हो। तो आप दोनों के घर में जो स्टेटस, आपका जो स्टेटस है और आपके पार्टनर का, जो हो सकता है कि उसमें जरा डामाडोल हो, एक बहुत हाई हो, एक बहुत लो हो। तो इस वजह से ये इंसान चाहकर भी शादी में बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं इस रिश्ते में, लेकिन जब तक हम बात करें कि इंसान आपसे प्यार करता है, तो हाँ, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये इंसान इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लेकर आना चाहता है। ये इंसान हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है आपको, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता, कभी भी नहीं, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। यहां पर भी देखो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहां पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो कोई भी इंसान है, इसका प्यार जिस्मानी नहीं है, ये इंसान रूहानी प्यार करता है। ये आपके शरीर से भी ज़्यादा आपको चाहता है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा आपकी केयर होती है। ये इंसान तो हमेशा आपको ऐसे रखना चाहता है कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, और इसको शादी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि इनकी मदर, ठीक है, इनका परिवार, तो भी
ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो उनका भी सामना करेंगे, और हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इसका प्यार सच्चा है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी कम्प्लीशन, इस इंसान को कम्प्लीशन मिलता है आपके साथ, ये इंसान की दुनिया कंप्लीट होती है आपके साथ, दी वर्ल्ड भी है और टेन ऑफ कप्स है, दोनों कम्प्लीशन बता रहे हैं। इस इंसान को अपनी दुनिया कंप्लीट फील होती है आपके साथ, और टेन ऑफ सॉरी और यहाँ पर है किंग ऑफ जो कप्स की एनर्जी। देखो गाइस, ये इंसान बहुत प्यार करता है। मे भी आप में से कुछ लोग ऐसे कहे कि नहीं, ये इंसान प्यार नहीं करता है आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है तो वही एनर्जी है यहाँ पर कि ये इंसान छुपाता बहुत है, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे जाहिर नहीं करता है, आपके लिए इतना ज्यादा सोचता है, इतना इमोशनली फील करता है। और ऐसा भी नहीं कि उस इंसान का प्यार सिर्फ जिस्मानी है, वो ऐसा नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स उसके मन में आपके लिए नहीं है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को। ये इंसान छुपाता बहुत है लेकिन अपने प्यार को, आप में से कुछ लोग तो ऐसे, देखो यहाँ पर भी दिमून की एनर्जी क्या बता रही है कि सिर्फ हाइड रखता है इंसान, बातें छुपाता है आपसे, प्यार बहुत करता है लेकिन छुपाता भी बहुत है। ओके, तो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो मैं किसी भी पर्सन को रीड नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी को रीड कर रही हूँ, तो जिसकी भी एनर्जी यहाँ पर है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। किसी भी पर्सन को मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये आपको याद रखना है। तो टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं क्या आता है। ओके, तो ये इंसान ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाई देता है आपको कि ये बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार करता होगा आपको, हमेशा आपके ऊपर डांटता होगा, गुस्सा कर। देखो गाइस, क्या हुआ है इस इंसान का कि ये आपको इस कदर अपना मान चुका है कि इसको लगता है कि आप बस इसी के हो, और वो आपके ऊपर डांट भी सकता है, वो आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकता है, लेकिन उसका प्यार देखो, ऊपर ऊपर से इस इंसान को देखकर आपको लगता नहीं होगा कि इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता होगा, लेकिन उसके दिल की भावनाएं तो देखो, ये इंसान आपको कितना केयर करना चाहता है, आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता है, शादी करना चाहता है। तो गाइस, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, ऊपर ऊपर से इंसान भले आपको बहुत रूडली दिखाई दे रहा हो, ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लगता हो कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, वो भी सच्चा वाला, ये कोई जिस्मानी प्यार नहीं है, ठीक है। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जी आती है। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन, ऊपर से दिखाई देता हो कि ये इंसान बहुत रूडली व्यवहार करता है, तो देखो लेकिन इसके दिमाग में ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और जैसे कि मैंने बोला कि इनकी मदर नहीं कहती है, तो हो सकता है कि दो दो ऑप्शन इनके पास हो, एक तरफ अपनी माँ, एक तरफ अपना परिवार, एक तरफ आप, इस वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। देखो उछल कर काड़ा है फूल, इसलिए इस इंसान को थोड़ा रिस्क भी लगता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी वो हर रिस्क आपके लिए उठाएंगे और वो आपसे शादी करेंगे, ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आई है। देखो गाइस, हुआ क्या है कि आप दोनों की भी एनर्जी सेम है, यहाँ पर राजा रानी दोनों भी बहुत गुस्से वाले हो, तो आपको भी ज़रा अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में झगड़े ही बहुत ज़्यादा हुए हैं, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, देखो इंसान आपको हरगिज खोना नहीं चाहता है, इंसान आपके लिए रोता है, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, या तो हमेशा ही नोकझोंक चलती आई है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। डेफिनेटली या तो इस इंसान ने आपको बहुत वेटिंग पर रखा है, ठीक है, या तो ये इंसान खुद आपको बहुत जल्दी चाहता है कि आप उसको डिसीजन दें। आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जिसने दूसरे को बहुत वेटिंग पर रखा है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। कोई एक चाहता है कि जल्द से जल्द डिसीजन लो, कमिटमेंट हो, चाहे रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में हो, और दूसरे ने एक सामने वाले को लटका के रखा है, खड़ा करके रखा है, इंतजार में रखा है, वेटिंग में हो कोई, या तो आप हो या तो आपके पार्टनर। और एक बात मुझे यहाँ पर ऐसी भी दिखाई दे रही कि इंसान ना चाहता नहीं है कि इस रिश्ते में आपका भी कोई लॉस हो, या आपको भी, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, तो इंसान नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। अगर इसके खुद के कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इनकी माताजी नहीं कहती है रिश्ते के लिए, या हो सकता है कि इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है, या एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कोई जॉब पाना चाहता हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, लेकिन बहुत ऑब्स्टिकल का सामना इसको करना पड़ रहा हो,
तो ये इंसान नहीं चाहता कि आप भी इसके साथ ऑब्स्टिकल्स का सामना करें, ये इंसान नहीं चाहता कि इसकी वजह से आपको कोई दुख हो। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन अगर इसके फाइनेंस जो कुछ भी करना चाहता है या आपको सारी खुशियां देना चाहता है, तो इसको कभी कभी ऐसे भी ख्याल आते हैं कि अगर आपको कोई बेटर इंसान मिले तो आपने उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको दुख में नहीं देखना चाहता। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर इसके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहता है, सारी खुशियां देना चाहता है, स्टेबिलिटी भी देना चाहता है, लेकिन इसके खुद के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ है तो इंसान क्या चाहता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और ये आपके और ये आपसे इतना ज़्यादा सच्चा प्यार करता है कि ये आपको दुख में नहीं देख सकता, तो इसको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई बेटर इंसान मिल जाए तो आपने उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी भर खुश रहोगे, ऐसा उनका मानना है। इतना ज़्यादा ये इंसान आपके भलाई के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है। इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है कि इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसके बावजूद भी वो आपको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने, आपके लाइफ में आपको सारी खुशियाँ मिले। और कुछ बोलने के लिए रहा नहीं, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ये इंसान बेइंतहा मोहब्बत करता है आपसे, इसका प्यार जिस्मानी नहीं है, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। इस इंसान का प्यार जिस्मानी नहीं है गाइस, यहाँ पर जो भी जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ये इंसान हमेशा हमेशा आपका हाथ थामे रखना चाहता है, ये इंसान हमेशा आपका साथ देना चाहता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान रात दिन आपके बारे में सोचता है, आपके भलाई के बारे में सोचता है, आपसे बहुत प्यार करता है। ये जो रिश्ता है वो सिर्फ जिस्मानी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें प्यार भरा है, दिल से दिल मिले हैं इस रिश्ते में। क्लैरिफाई कर लेते हैं टू ऑफ कप्स, देखो टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पर भी टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोबारा ये इंसान चाहता तो नहीं है कि किसी और के साथ आपकी कभी भी शादी हो, इंसान चाहता है कि उसके साथ शादी हो, लेकिन ये आपकी खुशियों के लिए ऐसा भी करने के लिए रेडी हो जाएगा कि आप किसी और से शादी कर लो, अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो, अगर आपकी लाइफ बेटर हो जाती है तो। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो ये इंसान आपसे शादी के लिए पूरे पूरे ट्राई करने वाला है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी दो बार, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये इंसान सारी ज़िंदगी आपके साथ खुश रहना चाहता। देखो कितनी केयर करेगा इंसान, इसके साथ अगर आपकी शादी हो जाती है तो ये इंसान कितनी केयर करेगा आपकी। ये इंसान कैट लवर हो सकता है, इनके घर में कैट हो सकती है। देखो यहाँ पर भी ये आपके साथ, अपने फैमिली के साथ, आपके साथ ये परिवार बसाना चाहता है और अपनी फैमिली के साथ आपके साथ सारी ज़िंदगी खुश रहना चाहता है। ये इतना प्यार करता है आपसे। टू ऑफ कप्स हमेशा हाथ में हाथ आपका पकड़ कर जीना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है। और ज़्यादा यहाँ पर कुछ बच्चा ही नहीं है अब बात करने के लिए, ये इंसान इतना ज़्यादा आपको प्यार करता है। मेजर अरकाना से देखते हैं, एक ही कार्ड निकालेंगे, मेजर अरकाना से एक कार्ड निकाल कर देखते हैं। जजमेंट, ये इंसान भगवान को दुआओं में भी आपको मांगता है, ये इंसान कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता, हमेशा जब भी ये भगवान को हाथ जोड़ता है ये आपको मांगता है। न जाने इस इंसान ने कितनी बार दुआएं की है भगवान को आपके लिए, न जाने इस इंसान ने कितने मंदिर में हाथ जोड़े हैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। न जाने कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन ये इंसान सच में आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपके बारे में, इसको हमेशा आपकी फिक्र रहती है, इसको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो ये इंसान बहुत सोचता है, और अगर आप अभी इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये लगातार जहाँ पर भी, देखो इसको ऐसा लगता है कि रिश्ता कभी भी ख़त्म ना हो, इस रिश्ते में 10 नंबर कंप्लीशन चाहते हैं, और थिंकर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में कि पूछो ही मत, जब देखो तब इनके दिमाग में दिल में आप ही के थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है, देखो वापस वही कार्ड और यहाँ पर न्यू लाइफ, ये इंसान चाहता है कि आप खुश रहे हमेशा, आप एक नई, अगर आप दोनों ब्रेकअप में हो, अगर आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं हो, तो ये इंसान चाहते कि आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, आप खुश रहे, आप हैप्पी रहे।
या ये चाहते कि आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़े, आपको खुशियाँ दे, वो आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। और इस इंसान को हमेशा ही लगता है कि रिश्ता कभी भी ख़त्म ना हो। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इंसान आपके याद में बहुत सैड सॉन्ग आजकल सुन रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो ये इंसान इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, आपको खूबसूरत जिंदगी देना चाहता है। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं देखते हैं, एंजल इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। रिकवरी, अगर आप इस रिश्ते में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, यहाँ पर बॉटम में वेट है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपका खोया हुआ हर सब कुछ आप देखो, वापस वेट ही गिर गया यहाँ पर, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो या किसी भी चीज़ का ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आपका सपना पूरा होगा, जो भी आप चाहते हो करना, ठीक है। लेकिन आपको जो आप एफर्ट डाल रहे हो या जो भी कुछ भी आप एक्शन ले रहे हो, कुछ नए तरीके से आपको एक्शन लेना है, नई दिशा में आप एफर्ट डाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन नई दिशा में कुछ नया करो, कुछ अलग करो, वही जो आप कर रहे हो वो उससे नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हो या जैसे आप एफर्ट डाल रहे हो उससे कुछ हटके करो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, चाहे आपके पार्टनर के बारे में हो। और इन द नियर फ्यूचर वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी और वो आपका सपना भी पूरा होगा, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।